अरे यार, आज जोश जोश ने बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया। अब शरीर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, कान पकड़ रही हो। अब कोई वर्कआउट नहीं करना, मुझे नहीं होना ट्रांसफॉर्म, रहने दो। अरे तू पागल है क्या? वर्कआउट करेगी तो थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही। इसी को तो बोलते हैं डोम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। जो अचानक से आप वर्कआउट करना शुरू करते हो तो शरीर में जो माइक्रो टीयर्स होते हैं मसल में, उसकी वजह से वो दर्द होता है, फिर आपको उसको रिपेयर करना पड़ता है। दैट इज कॉमन। अगर दर्द नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है। अरे यार, ऐसे दर्द में तो मुझसे नेक्स्ट डे वर्कआउट भी नहीं हो पाएगा। मैं क्या करूँ? प्लीज मेरी हेल्प करो यार। सो हियर कम द सॉल्यूशन। आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं गाइस। जो लोग नए नए वर्कआउट करना शुरू करते हैं, वो वर्कआउट तो कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे उनकी बॉडी में इतना ज्यादा पेन होता है कि वो वर्कआउट करना ही छोड़ देते हैं। इसी चीज को हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं डोम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। जो कि हमारे बॉडी में जब हमारे मसल में माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पेन करता है, बहुत ज्यादा सोरनेस आ जाता है, और फिर हम लोग वर्कआउट करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको हम लोग फिर से रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। इसी चीज के ऊपर गाइस आज मैं आपको चार सॉल्यूशन बताने वाली हूं, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस सोरनेस से, इस मसल पेन से ठीक करने में, रिकवर करने में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वेल रिसर्च है गाइस, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दो। जिन भी लोगों को वर्कआउट करने के बाद बहुत ज्यादा पेन होती है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, मैं शेयर कर दे रही हूँ, लेकिन सारे सॉल्यूशन काम वाले होने चाहिए। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थैंक यू टीचर फॉर शेयरिंग माय वीडियो। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले सॉल्यूशन का, जो कि स्ट्रेचिंग बिफोर वर्कआउट। अब स्ट्रेचिंग भी दो टाइप का होता है, एक होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक। डायनेमिक जो होता है वो रोटेशन मोशन में आ जाता है, तो वो आपको नहीं करना है। आपको स्टैटिक करना है, जिसमें हमारे एक मसल अच्छे से स्ट्रेच हो रहा हो। जैसे हम लोग इस चीज को स्ट्रेच कर रहे हो तो हमारा यहाँ वाला एरिया स्ट्रेच हो रहा होता है। जब ऊपर से स्ट्रेच कर रहे हो तो हमारा साइड मसल स्ट्रेच हो रहा होता है। नेक्स्ट स्ट्रेच कर रहे हो तो हमारा ये वाला मसल स्ट्रेच हो रहा होता है। ये हमको हेल्प करता है, सबसे पहले तो आपको ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से पास होने में हेल्प करता है। कोई भी वर्कआउट करने से पहले अगर हम लोग स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो हमारा मसल जो होता है वो रेडी हो जाता है वर्कआउट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं, अगर आप सोए हुए, कोई आपको एक थप्पड़ मार के उठाता है, बोलता है वर्कआउट कर ले, तो यहां बहुत ज्यादा चांसेस होता है हमारे बॉडी में सोरनेस आने के लिए। लेकिन अगर आपको धीरे धीरे उठाते, उठ जाओ बाबू, उठ जाओ बाबू, तो हम लोग धीरे धीरे इसके लिए रेडी हो जाते हैं। तो यही होता है गाइस, अगर हम लोग वर्कआउट करने से पहले स्ट्रेचिंग कर लेते हैं अच्छे से, तो हमारा जो मसल होता है वो रेडी हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है वर्कआउट करने के लिए। तो उसके बाद जो वहां पेन होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो ये जो होता है ये आपको टेम्पररी रिलीफ दिलाएगा। तो आपको कोशिश करना है जो स्ट्रेचिंग है वो जरूर कर ले। ये था हमारा पहला सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड सॉल्यूशन की। सो हमारा दूसरा सॉल्यूशन है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन इनटेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि हम लोग कोई भी वर्कआउट करते हैं उसके बाद हमारे मसल रिपेयरेंस के लिए प्रोटीन इनटेक होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज है, आप चाहो तो वे प्रोटीन भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो बहुत सारे फूड सोर्सेज है जिससे आपको प्रोटीन मिलता होगा। यहाँ स्क्रीन में आपको बहुत सारे सोर्सेज दिख रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर वैरायटी ऑफ ऑप्शन, वेज नॉन वेज दोनों के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आपको इंक्लूड करना है अपने मील्स में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देना है, ताकि वो आपके मसल को रिपेयरेंस होने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करे। दूसरा है आपका फिश ऑयल। फिश ऑयल एक डाइटरी सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका बॉडी खुद नहीं बना पाता है, इसलिए आपको फूड सोर्सेज से ये लेना पड़ता है। आप फिश ले सकते हो, सैल्मन फिश में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है। सोयाबीन ले सकते हो, सीड्स में आपको मिल जाएगा, फ्लैक्स सीड्स में आपको मिल जाएगा, ये सबसे आप ले सकते हो। ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, आपके मसल रिपेयरेंस में तो हेल्पफुल है, मसल ग्रोथ में भी होती ज्यादा हेल्पफुल है। आपके हेयर हेल्थ के लिए अच्छा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने में हेल्प करता है, आपको बीपी को ठीक रखता है, डिप्रेशन से आपको ठीक करता है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है गाइज। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन होती है आफ्टर वर्कआउट, तो ओमेगा 3 इनटेक जरूर करें। अब यहां बात करते हैं गाइज, डेली बेसिस तो आप फिश नहीं खा सकते, तो उसके लिए आप ये चीज ट्राई कर सकते हैं जो प्रेजेंटली मैं यूज कर रही हूँ, एनवेदा ओमेगा 3 फिश ऑयल। तो सबसे पहले बात कर ली जाए इसकी बजट की, तो ये बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली है गाइज, 300 के अप्रॉक्स आता है, तो इसको कोई भी बाय कर सकता है, कोई एज ग्रुप नहीं है, सभी एज के लोग इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि सबका रिक्वायरमेंट होता है ओमेगा 3 का, उस रिक्वायरमेंट को ये पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि आप जिम जा रहे हो तो फिर आपको ये यूज करना है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। सेकंड बात, ये जेएमपी सर्टिफाइड है, तो क्वालिटी के ऊपर तो ये A1 है, तो आप इसको फॉर श्योर यूज कर सकते हैं। थर्ड गाइज, आपको कैसे इनटेक करना है, तो ये आपको कैप्सूल
फॉर्म में आता है, आपको एक कैप्सूल दिन भर में यूज करना है, पानी के साथ आप इसको इंटेक कर सकते हो। बहुत ज्यादा अंडर बजट है गाइस, बेस्ट प्रोडक्ट है, तो खुद भी खाओ अपने फैमिली को भी खिलाओ, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। तो इसका जो बेस्ट बाइंग लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसको जरूर बाय कर ले। रिकवरी रिकवरी रिकवरी, जब रिकवरी की बात आती है गाइस, तो ये दो चीज हम लोग बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जो कि BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड एंड दूसरा है ग्लूटामिन। ये दोनों आपके बॉडी के रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आपकी रिकवरी को भी बहुत ज्यादा स्पीड अप कर देता है। ग्लूटामिन जो है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, जो हमारा बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन जब हम लोग कोई भी वर्कआउट करते हैं तो ये धीरे धीरे डिप्लीट कर जाता है, एंड फिर इसको वापस से रिकवर करने, फिर से बनने में आपको टोटल 7 डेज लग जाते हैं, एंड 7 दिन तो हम लोग इंतजार नहीं कर सकते वापस से रिपेयर होने में, फिर से वर्कआउट करने में, क्योंकि हमारा जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। तो प्रोग्रेस कंटिन्यू रखने के लिए ये BCAA एंड ग्लूटामिन आपको एक्सटर्नली इनटेक करना होगा, ताकि आपकी रिकवरी को स्पीड अप कर दे एंड हेल्प कर सके आपके रिकवरी के लिए। तो ये बात होगी आपके न्यूट्रिशन की, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन की। सो हमारा थर्ड सॉल्यूशन है यूज रोलर और डू सेल्फ मसाज। रोलर की बात की जाए तो जिम में आपको रोलर दिखता होगा, इस कोई भी आपका जो पेन वाला एरिया है वहां के एरिया पे आपको अच्छे से रोल ऑन करता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऐसे आप वहां पर रोल ऑन करोगे तो वहां पर आपको बहुत रिलीफ मिलेगा वहां के मसल को। लेकिन अगर आप घर पे वर्कआउट करें, आपके पास रोलर वगैरह नहीं है, तो आप कर सकते हो घरेलू जुगाड़, जो कि एक बेलन। इससे आपको किसी को पीटना नहीं है गाइस, जो पेन वाला एरिया है वहां पर अच्छे से आप रोल ऑन करो, आहा बहुत रिलीफ आएगा गाइस। कोई भी एरिया, जैसे थाई का एरिया है या फिर आपको बैक का एरिया है, तो वहां पर अच्छे से रोल ऑन करो, आपको वहां के जो मसल है वहां पर बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा। दूसरा है डू सेल्फ मसाज। आप सेल्फ मसाज भी कर सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर एरिया जहां पर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो वहां पर आप अच्छे से मसाज करोगे, वहां पर अच्छे से रब करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ फील होगा वहां के एरिया को। थाई एरिया तो वहां पर अच्छे से मसाज करो, बैक का एरिया है वहां पर अच्छे से मसाज करो, या किसी और से मसाज करा लो, तो वहां का जो मसल है वो अच्छे से स्ट्रेच हो पाएगा, वो अच्छे से फील होगा, वहां पर आपको बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस होगा। तो आप ये चीज ट्राई करके देखते, आपको बहुत मजा आने वाला है गाइस। कमेंट करके बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है। ये जो बेलन है ये भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने फोर्थ सॉल्यूशन की। ये वाला सॉल्यूशन मुझे बड़ा पसंद आया। फोर्थ सॉल्यूशन है वार्म और कोल्ड वाटर शावर। ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक है गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं गर्म पानी से नहाना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ठंडे पानी से नहाना चाहिए। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी, जो वार्म वाटर होता है वो बेस्ट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि आपने बहुत जगह सुना होगा कोई भी इंसान ठंडे पानी से नहाता है तो क्या बोलता है, कि मैं बहुत ज्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी इंसान तो गर्म पानी से नहाता है तो क्या बोलता है, कि मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो आपको फोकस करना अपने रिलैक्सेशन में, ताकि आपको जो मसल पेन है वो ठीक होने में हेल्प हो सके। तो आपको वार्म वाटर से नहाना है। अब ठंडे पानी की बात की जाए तो एकदम आइस कोल्ड वाटर जो होता है, जैसे आपके जो पेट में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आ जाते हैं पीरियड की वजह से, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर आइस पैड लगाते हैं, तो हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस होता है। तो आप अगर चाहो तो आपके पास बाथ टब है या नॉर्मल बड़ा सा टब है, तो उसमें एकदम आइस कोल्ड वाटर जो होता है उसमें आप थोड़ा सा 5 से 10 मिनट तक रिलैक्स कर सकते हो, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन यहां भी प्रॉब्लम आ जाती है कि बहुत सारे लोग जब टेम्परेचर चेंज होता है बॉडी का, तो कोल्ड एंड कफ हो जाता है उनको, उनकी बीमारियां आ जाती है। तो इसलिए आपको कोशिश करना है जो वार्म वाटर है वो ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन है। आइस कोल्ड के ऊपर तरफ मत भागो, गर्म पानी से आराम से नहाओ, आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन महसूस होगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। कि कोई भी वर्कआउट कर लेने के बाद अगर आप गर्म पानी से नहाते हो तो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील होगा। तो ये था हमारा फोर्थ सॉल्यूशन गाइस। लेकिन आप तब से वीडियो अगर अभी तक देख रहे हो तो आपके लिए प्रो टिप तो बनता ही है। तो प्रो टिप है होम रेमेडी। अब होम रेमेडी क्या है, आपको जो हल्दी का दूध होता है, जो टर्मरिक होता है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपका मसल पेन से हेल्प करने में, रिलैक्स करवाने में। तो आपको हल्दी का दूध पीना है रात में सोने से पहले, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। ये सारे सॉल्यूशन को अगर आप ट्राई करते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, वर्कआउट करने के बाद जो आपका पेन होता है उसको कम करने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये सारे टिप्स आपको कैसे पसंद आए, नहीं पसंद आए, कौन सा टिप आपको बेस्ट लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ही ज्यादा वेल रिसर्च वीडियो है गाइस, तो वीडियो को शेयर अभी के अभी प्लीज कर दो गाइस। एंड तब तक मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव। अरे मैंने तो कमेंट कर दिया, बड़ा मस्त लगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर भी कर देना गाइस, एंड कमेंट करना मत भूलना। चलो मिलते हैं, बाय बाय। रिदम है मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक, 2 मिनट बाद रही थी, वाओ। और